हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे जो फ्लूड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूड की है वो क्या है? विस्कोसिटी, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी फ्लूड की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है, वह एंगुलर डिफॉर्मेशन एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा शियर की स्ट्रेस की वजह से या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन की वजह से। मतलब क्या होगा, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस को ये ऑफर करेगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी फ्लूड अगर सॉलिड सरफेस पर फ्लो कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म नहीं होती है। मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है, कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपका फ्लूड जब फ्लो कर रहा है तो आप देखेंगे कि जो प्रत्येक लेयर है, ठीक है, अगर आपकी फ्लूड की लेयर की बात करें तो प्रत्येक लेयर पर जो फ्लूड की जो वेलोसिटी है आपको वो क्या मिलेगी, इंक्रीज होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, एक स्लोप बनता है इस तरीके से। ठीक है, कि मतलब आप ये स्लोप क्या बता रहा है कि जो फ्लूड की प्रत्येक लेयर पर जो वेलोसिटी है लेयर बाई लेयर आपकी क्या है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या है, यू प्लस टी यू है। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ती जाती है, यानी कि जो अपर लेयर है उस पर क्या है आपके लिए वेलोसिटी। तो यहाँ जो फ्लूड होगा, तो यहाँ जो फ्लूड होता है सरफेस पर, इस कंडीशन में क्या, इस यहाँ पर जो फ्लूड होता है वहाँ पर जो यू इज इक्वल टू जो वेलोसिटी होती है फ्लूड की वो जीरो होती है। मतलब क्या होती है, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। तो विस्कोसिटी क्या है, एक तरीके से एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है किसी भी फ्लूड को फ्लो करने में। ठीक है, यानी उसको फ्लो करने से रोकती है। तो जो लेयर्स होती हैं फ्लूड की वो एडजेसेंट लेयर, मतलब अपने पास की लेयर पर क्या करती हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपके फ्लूड का फ्लो, फ्लूड के फ्लो में एक रेजिस्टेंस को ऑफर करती हैं। ठीक है, जिसके इसका रीज़न क्या है, विस्कोसिटी इसका एक रीज़न है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो फ्लो में जो रेजिस्टेंस है क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि जो लेयर्स है उनमें इंटरनल क्या है, एक फ्रिक्शन होने लगता है, जिसकी जिसको हम विस्कस रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। और यह जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी यह जो प्रॉपर्टी है फ्लूड में जो लागू हो रही है, यह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एक दूसरी लेयर के पास में, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है, आपका ये एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसको हम डी थीटा बाई डी टी, ये आपका क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो लेयर बाई लेयर क्या है, आपने देखा कि जो वेलोसिटी है फ्लूड की वो इंक्रीज होने लगती है, और जो एक दूसरी लेयर हैं वो आपस में क्या करती हैं, एक रेजिस्टेंस को ऑफर करती हैं, फ्लो को फ्लो जो फ्लूड का फ्लो है उसको होने से रोकती हैं। तो मतलब क्या है, जो विस्कोसिटी है आपकी, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, फ्लूड की एक प्रॉपर्टी है, वाई वर्च्यू जिसके कारण, बाई वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस को ऑफर करती है विस्कोसिटी किसी भी फ्लूड में। ठीक है, इसके वजह से कोई उसमें डिफॉर्मेशन ना हो पाए। ठीक, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो एक्सपेरिमेंट क्या एविडेंस करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट्स एविडेंस इंडिकेट्स दैट एनी फ्लूड फ्लो ओवर अ सॉलिड सरफेस,
ओवर अ सॉलिड सरफेस, मतलब कोई भी फ्लूड आके सॉलिड सरफेस पर फ्लो करता है, द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, जो वेलोसिटी है वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो वेलोसिटी आपकी वो यूनिफॉर्म नहीं होती है एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, यह आपकी ज़ीरो होती है एट नो स्लिप कंडीशन, ठीक है, यह आपकी क्या है ज़ीरो होती है एट नो स्लिप कंडीशन सॉलिड सरफेस पर, और ग्रेजुअली क्या है इंक्रीज होती है फ्लो की नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ ज़ीरो मतलब नो स्लिप एट द सॉलिड सरफेस, यानी सॉलिड सरफेस पर ये ज़ीरो होती है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, ये आपकी क्या करेगी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, मतलब लगातार क्या होगी इंक्रीज होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो अप टू ए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, एट द फ्री सरफेस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है वेलोसिटी आपकी सॉलिड सरफेस पर ज़ीरो है और ये ग्रेजुअली क्या कर रही है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कहाँ तक ये, और फ्लूड की नॉर्मल डायरेक्शन में ये आपकी क्या है इंक्रीज होगी, और कहाँ तक इंक्रीज होगी एक फ्री सरफेस तक, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक आपकी क्या होगी ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से हो रहा था, इंटरनल फ्रिक्शन जो लेयर्स के बीच में होगा, ओवर वाई ओवर ऐसे लेयर्स जो होंगी वो आपकी क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स होंगी, तो इनके बीच में क्या होगा इंटरनल फ्रिक्शन होगा, तो इस इंटरनल फ्रिक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो क्रिएट करेगा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस टू फ्लो बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कस रेजिस्टेंस, and the property which leads the fluids offer resistance between adjacent layer is known एज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसे हम विस्कस रेजिस्टेंस बोलेंगे, और यह जो प्रॉपर्टी है फ्लूड की जो रेजिस्टेंस को ऑफर कर रही है एक दूसरी दो लेयर्स के बीच में, इसे हम क्या बोलेंगे विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड कहेंगे, ठीक है। तो इस विस्कोसिटी फ्लूइड में जो स्ट्रेस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर आपका किसके बराबर वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक मल्टीप्लाई करते हैं प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट म्यू डी यू वाई डी वाई, तो ये जो लॉ आया या ये जो फॉर्मूला आया इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो आपका शियर स्ट्रेस है वो आपका क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट या एंगुलर डिफॉर्मेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो
यहाँ से आपके पास जो टॉ आ गया था वो आ गया था म्यू डी यू आई डी वाई, यहाँ से आपके स्ट्रेस आ गया था। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी जो डायनेमिक, ये म्यू पे आया यहाँ पर, इसे हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये म्यू की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, टॉ डी यू आई डी वाई, ठीक है। अब जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड हो गई, और यहाँ पर जो वाई है वो मीटर में हो गया। तो यहाँ से क्या आया, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर क्या होता है आपका, पास्कल, तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी पास्कल इंटू सेकेंड। जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या आ गई आपकी, पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है। और जो एक न्यूटन है वो आपका 10^5 डाइन के बराबर होता है, एक न्यूटन आपका इसके पावर बराबर होता है, ठीक है। अब आपका जो एक पॉइज होता है, पॉइज क्या है, यूनिट है विस्कोसिटी की, वो आपका 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं 100 सेंटीपॉइज। तो मतलब कि जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है इन सीजीएस 1 CP के बराबर होती है, 1 सेंटीपॉइज के बराबर होती है। ये क्या है आपका, सीपी मतलब सेंटीपॉइज, ठीक है। तो यहाँ से हमने विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फ्लूइड की अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू क्लास।